जय माता दी दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं साल 2023 में जो भाई दूज का त्यौहार है वो कब और किस दिन मनाया जाएगा, शुभ मुहूर्त जो है वो क्या रहने वाली है और महत्व जो है वो क्या रहेगा, आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि जो भी त्यौहार आ रहे हैं अभी, चाहे वो रक्षाबंधन हो गया, चाहे वो मान लीजिए कि जन्माष्टमी हो गया, या आप करवा चौथ मान लीजिए, अभी जैसे भाई दूज का त्यौहार है, सब में दो दो दिन का मतभेद जो है वो चल रहा है। मतलब दो दिन जो व्रत हैं वो बताए जा रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, उदया तिथि के हिसाब से जो भी व्रत पढ़ते हैं वही व्रत करना उत्तम माने जाते हैं। और भाई दूज का त्यौहार जो है, जिस प्रकार से रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक होता है, प्रेम का त्यौहार होता है, ठीक उसी प्रकार कार्तिक माह में दीपावली के बाद शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया तिथि आती है, उस दिन भाई दूज करने से भी भाई बहन का प्रेम जो है वो बढ़ता है। और इस दिन को यम द्वितीया और चित्रगुप्त पूजा जो है वो भी की जाती है। तो इस वर्ष साल 2023 में भाई दूज का जो त्यौहार है वो कब मनाया जा रहा है, चलिए एक नज़र जो है वो डाल लेते हैं। इस वर्ष जो कार्तिक माह में दीपावली के बाद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है वो 14 नवंबर को दोपहर 2:36 से प्रारंभ हो रही है और 15 नवंबर को 1:47 पर समाप्त हो रही है। इसलिए उदया तिथि के हिसाब से जो भाई दूज का त्यौहार है वो है वो 15 नवंबर को जो है वो मनाया जाएगा। जो सही तारीख है वो है 15 नवंबर, जो दिन है वो बुधवार है और इसी दिन जो है वो बुधवार को ही भाई दूज का जो पर्व है, भाई दूज का जो त्यौहार है वो किया जाएगा। तो सही मुहूर्त पे आपको सही समय पे ही अपने भाई की पूजा करनी है, अपने भाई का जो तिलक है वो करना है। अब अगर मैं शुभ मुहूर्त की बात करूं तो जो भाई दूज का पर्व है वो 15 नवंबर को 1:47 पे समाप्त हो रहा है। तो 1:47 से पहले ही आपको भाई दूज का जो पर्व है, जो त्यौहार है वो मना लेना है। हमारे यहाँ का अगर मैं विधान बताऊं तो हमारे यहाँ की परंपरा ऐसी है, हो सकता है बहुत सारे बहनों के घर की परम्परा हो, लेकिन मैं आज अपने घर की परम्परा जो है वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ निराजली, मतलब पहले जिस दिन जो भाई दूज का पर्व होता है उस दिन पहले तो बचपन में ये होता था कि जो दिवालियाँ होती थी, मतलब जलती थी, फिर उनको इकट्ठा करते थे और खेलते थे, वो अलग ही दिन था। वहाँ हम ना भटकते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो क्या होता है कि हमारे यहाँ जिस दिन भाई दूज का पर्व होता है उस दिन जो भी बहनें हैं वो भोजन नहीं करती हैं, चाय नहीं पीती हैं, मतलब कुछ नहीं करती, एक तरीके से सर्वप्रथम स्नान करती हैं और स्नान करने के बाद में अपने भाइयों से भी स्नान करने के लिए बोलती हैं। जो मेरे घर की परंपरा है वो मैं बता रही हूँ, हो सकता है कि आप लोगों के घर की परंपरा ऐसे ही हो, और अगर नहीं है, आपके घर की कोई दूसरी परंपरा है तो आप उस अनुसार भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पहले हम लोग मतलब स्नान वगैरह करते हैं, फिर भाई को बोलते हैं कि आप भी स्नान कर लो, क्योंकि हमारा भाई छोटा है तो हम लोग अपने भाई को बोलते हैं कि स्नान कर लो, स्नान कर लो। फिर जैसे भी करके वो स्नान कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि हम लोग तैयारी करते हैं उसके लिए, एक साफ़ सुथरी जगह, मतलब जैसे कच्चा है तो वहाँ पे लिपाई कर लें और पक्का है तो वहाँ गीला करके कपड़ा जो है वो पोंछ लें। उसके बाद आटे से हमारे यहाँ चौक जो है वो बनाई जाती है, मतलब एक तरीके से अभी नए ज़माने से मैं बोलूँ तो रंगोली जो है वो बनाई जाती है, हमारे यहाँ चौक बोलते हैं। तो आटे से एक चौक, चाहे आप स्वास्तिक बना लें, वैसे स्वास्तिक के ऊपर जो है वो पट्टा नहीं रखते हैं, हमारे यहाँ स्वास्तिक को एक अलग ही दर्जा दिया गया है, उसको नागना नहीं चाहिए ना उसके ऊपर बैठना चाहिए, इसलिए स्वास्तिक जो है वो नहीं बनाते हैं। हम अष्टदल कमल या कोई भी छोटी से रंगोली या कोई भी छोटा सा फूल जो है वो बनाते हैं आटे का ही, उसके ऊपर हम पटा रखते हैं, मतलब जो हमारे यहाँ पीढ़ा बोलते हैं, पटा बैठने के लिए लकड़ी का जो होता है वो रखते हैं, उसके ऊपर ही अपने भाई को बैठालते हैं। और फिर हमारे यहाँ क्या होता है कि जो भी मान लीजिए कि हमारे यहाँ मम्मी जो हैं वो नई मिठाई बनाती हैं, उस दिन अगर नहीं बना पाती हैं किसी कारणवश तो फिर बाज़ार से मंगवा लेती हैं, क्योंकि इस दिन हम लोग कान्हा जी को भी भोग लगाते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले हम अपने भाई को बैठालते हैं और उसके बाद जो तैयारी है वो करते हैं, फिर सबसे पहले हम अपने कान्हा जी को तिलक करते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं और भगवान जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम अपने भाई को भी सेम तिलक लगाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, आरती उतारते हैं, फिर जो भाई हैं वो पैर छूते हैं और जो भी उनकी मान लीजिए सामर्थ्य के अनुसार जो दक्षिणा है वो हम लोगों को देते हैं। बचपन में तो
हम लोग पैसे के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद करते थे, हमें इतना नहीं इतना चाहिए। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि हम और मतलब मैं और मेरा भाई जो है वो हम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं और मतलब हम दोनों में बहुत ज़्यादा बनती है। तो हम मतलब कैसे बताऊँ मैं आप सबको, आप लोग हंसेंगे। एक बार मेरे भाई ने मुझे पैसे नहीं दिए, मतलब हम लोगों में लड़ाई हो जाती थी। पहले वो पैसा देते थे, उसके बाद फिर हम लोगों में लड़ाई होती थी, फिर वो बोलता था कि मैंने पैसे दिए थे, चल मेरे पैसे वापस कर। तो मतलब वो अलग ही दिन था। अभी एक बार क्या हुआ कि मतलब भाई ने पैसे नहीं दिए, तो हमने भाई से पैसे के लिए बोला, लेकिन भाई ने पैसे नहीं दिए। तो फिर अगले दिन हमने भाई से बोला कि चलो हम लोग घूमने चलते हैं, और जहाँ पे मतलब कपड़े की जो शॉप होती है वहीं पे मैं उतर गई। और फिर मैंने भाई से भी बोला आओ जरा आओ देखते हैं। और फिर मैंने वहाँ पे अपने लिए जो कपड़े थे वो चूज़ कर लिए, फिर भाई को वहीं पे खड़ा कर दिया कि चलो पेमेंट अभी आपको करना है। तो मतलब मेरे साथ बहुत यूनिक चीज़ें हुई हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें हुई हैं। हो सकता है कभी ये वीडियो मेरा भाई देखे तो उसको भी ये चीज़ें जो है वो सोच के वो दिन याद आए और उसको हंसी आए। तो मतलब अलग अलग चीज़ें जो है वो हमारे साथ हुई हैं। तो हमारे यहाँ मतलब परंपरा यही है कि जो भाई दूज है वो बहुत विधिवत तरीके से मनाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है बहुत सारे लोगों के यहाँ होली की दूज जो है वो नहीं मनाई जाती है। हमारे यहाँ होली की भी दूज मनाई जाती है, दिवाली की भी दूज मनाई जाती है, रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। लेकिन हमारे घर की परंपरा यही है कि सर्वप्रथम हम अपने कान्हा जी को, हमारे लड्डू गोपाल जो हैं, सर्वप्रथम हम उनको तिलक लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आज से ही लगा रही हूँ, बचपन से मैं देख हूँ, बचपन से यहाँ तक कि हमारे घर की ये परंपरा है। मतलब जैसे मैं अपने ससुराल से मायके जाती हूँ तो जो मतलब दहरी में चावल जो है वो रखे जाते हैं, अब आपके यहाँ होता है कि नहीं होता है, हमारे यहाँ होता है, जो चावल दहरी में रखे जाते हैं वो सर्वप्रथम हम अपने घर के मंदिर में रखते हैं। उसके बाद मम्मी जो दहरी में रखने के लिए चावल देती हैं फिर वहाँ रखते हैं, उसके बाद मतलब हमारी विदाई जो है वो होती है। तो हमारे घर की ऐसी परंपरा शुरू से मतलब सालों साल से चली आ रही है। मेरी जब से शादी हुई मैं यही करती चली आ रही हूँ, हमारे यहाँ का यही विधान है। और भाई दूज में भी ऐसा ही होता है, या जो भी रक्षाबंधन कोई भी फेस्टिवल होता है हमारे यहाँ, सर्वप्रथम अपने लड्डू गोपाल को पहले रखते हैं। जो भी तिलक हो गया या मान लीजिए मिठाई खिलाना हो गया, चाहे तो रक्षाबंधन हो गया, कोई भी त्यौहार हो, सर्वप्रथम अपने लड्डू गोपाल को करते हैं, उसके बाद भाई को करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कहीं भद्रा लग जाती है रक्षाबंधन के टाइम पे, तो कभी भाई दूज में भी फेरबदल हो जाता है, कभी शुभ मुहूर्त इधर उधर हो जाता है, और कई कारण बस जो है वो चीज़ें इधर उधर फेरबदल हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर्वप्रथम मैं अपने लड्डू गोपाल को करूँ और उनका आशीर्वाद जो है वो मेरे भाई के ऊपर रहे सदैव, और ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि उसके ऊपर अपना आशीर्वाद जो है वो हमेशा बना कर रखें। और इसीलिए मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल को जो है वो करती हूँ, उसके बाद अपने भाई को करती हूँ। ये चीज़ें मुझे शुरू से देखती चली आ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके इधर कैसा होता है, मतलब आपके घर की ऐसी परंपरा है या नहीं है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि हर जगह के नियम और हर जगह की परंपरा जो है वो अलग होती है। हमारे यहाँ जैसा होता है वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। और इस दिन हमारे यहाँ क्या होता है, जिस दिन भाई दूज होती है उस दिन हमारे यहाँ जो भी घर में वाहन होते हैं, चाहे बाइक ले लो, चाहे स्कूटी ले लो, चाहे मतलब गाड़ी ले लो, ट्रक ले लो, जो भी होता है घर पर, उन सब की पूजा की जाती है। मतलब मम्मी करती हैं या हम लोग भी कर देते हैं कभी। तो मतलब जिस दिन भाई दूज होता है उस दिन सारी गाड़ियों की पूजा की जाती है, सब में तिलक किया जाता है, क्योंकि जो गाड़ियाँ होती हैं वो दीपावली में खड़ी हो जाती हैं। फिर जिस दिन दूज होती है, भाई दूज होती है, उस दिन पूजन किया जाता है, उसके बाद वो जो भी वाहन होते हैं वो निकाले जाते हैं रोड पे चलने के लिए। तो हमारे घर का ये विधान है, आपके यहाँ का जैसा विधान हो आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आने वाली 15 नवंबर को आप लोग भाई दूज का जो पर्व है वो ज़रूर मनाइए और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। भाई की लंबी उम्र हो ऐसी भगवान से प्रार्थना कीजिए, उसके ऊपर कोई भी संकट ना आए, कोई भी उसको कोई समस्याएं, कोई भी प्रॉब्लम्स उसके जीवन में ना आए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करें। और भाई दूज का जो पर्व है वो पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाइए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी माताओं बहनों को भैया दूज पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।